हेलो एवरीवन, आप लोग को एसवीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन। लेकिन ये 12वीं में एक मुगल वंश के बारे में ज़रूर दिया है, और जब तक कि आप पढ़ते रहिएगा तब तक मुगल वंशों से होकर के आपको गुजरना होगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुगल वंश जो कि उनको जानना है, और इससे आने वाले जो महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होते हैं इसको भी जानना जरूरी है। तो मुगल वंश से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आप अगर ये पूरे वीडियो को अच्छे तरह से देख लेते हैं तो मुगल वंशों से जो पहला खंड है ये हम लोग का पार्ट वन है। इस पार्ट वन के अंतर्गत में मुगल से रिलेटेड जहाँ तक हो पाएगा मैं बताऊँगा। इसके बाद वाली बात, अगर यह मेरा अधिक दूर तक और अधिक इसकी मांगे हुई तो मैं ज़रूर इनके बारे में सेकेंड पार्ट बनाऊंगा। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बाबर के बारे में और मुगल वंश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो चलते हैं, हम लोग आज जानेंगे कि बाबर के इस मुगल वंश के रिलेटेड वंश से मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को इस बोर्ड पर आप लोगों को दिखाई दे भी रहा होगा कि कितने सारे मैंने मुगल से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैंने लिखे भी हैं। मुगल के जो प्रथम शासक रहे जो कि बाबर के नाम से विख्यात है, और इनके बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताने का पूरा मुगल वंश इसमें जो कि लमसम 200 वर्ष तक उन्होंने अपने शासन क्षेत्र विस्तृत किए, और 200 वर्षों तक इन्होंने राजशाही वंशानुगत के अनुसार चलता रहा। देखिए कि मुगल कौन थे, मुगल कैसे आए, और मुगल का नींव कैसे डलाया, मुगल का प्रथम संस्थापक कौन रहे, इस प्रकार से मैंने आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो चलते हैं बच्चों, पहला बात आता है मुगल से रिलेटेड कि मुगल का इंट्रोडक्शन में आता है सबसे पहला चीज कि मुगल का जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए परिचय के अनुसार हम जानेंगे, परिचय के अनुसार जानेंगे कि मुगल कौन था। तो ये तुर्की के एक चगताई शाखा तो मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के बीच में एक जाति थे, वो उस जातियों का नाम था, एक तुर्की जाति लोग रहते थे और वहीं के रहने वाले जातियों का ही नाम एक तुर्की था, उसी से एक चगताई वंश था और उसी वंश से इसको लिया गया है मुगल को। ठीक है, तो ये बात आता है। उसके बाद वाली बात है कि मुगल कौन थे। तो मुगल मंगोल और तुर्की दोनों मिल करके मुगल का निर्माण हुआ, मुगल बना। ठीक है, ये मंगोल और तुर्की दोनों को मिला तब मुगल बना। इनका संस्थापक कौन थे, तो इसका संस्थापक थे बाबर। कौन थे, बाबर। किसका, मुगल वंश के संस्थापक कौन, तो हम लोग क्या कहेंगे, बाबर थे। जिसका पूरा नाम क्या था, उसका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था पूरा नाम, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मुगल का पूछा जाता है कि मुगल वंश के संस्थापक का पूरा नाम क्या है, या तो फिर पूछ लेगा कि बाबर का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना होगा जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। किसका, बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जिसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, और इसका जन्म कब हुआ था, 1456 ईस्वी में। देखिए 1456 ईस्वी में किसका, उमर शेख मिर्जा का, और ये उमर शेख मिर्जा जो थे वो किसका थे, बाबर के पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा, और ये अपने पिता के रिलेशन से पांचवा संतान थे, पांचवा वंशज के अंतर्गत आता था बाबर, पांचवा यहाँ पर लिख दिया है हमने, पांचवा वंश। ठीक है, अब देखिए पिता का जन्म 1456 में, और उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, और इसका मृत्यु जो हुए थे 1494 ईस्वी में बताया रहा है, और पिता का जो नाम था वो पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, इसका जन्म 1456 में और मृत्यु 1494 में, और ये किस वंश से आते थे, ये तैमूर वंश से आते थे, और तैमूर वंश जो थे ये अपने शासनकाल में एक विस्तृत शासक भी रहे, विस्तृत रहे, और उसी शासनकाल में से ये बताया जाता है कि उमर शेख मिर्जा का पुत्र का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब थे। चलिए देखिए, ये बाबर जो रहे या तैमूर वंशज के एक वंशज रहे जो कि ये पांचवा वंश रहा। इनकी माता का नाम था, देखिए इसकी माता का जो
इसका माता का नाम था कुतलुग निगार। कुतलुग निगार इसकी माता का नाम किसका? बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार। पूछा जाता है कि उमर शेख मिर्जा की पत्नी का नाम, तो उमर शेख मिर्जा के पत्नियां थी और वो पत्नियां एक नहीं, उसमें से जो आती है जो सबसे अधिक उसको मानते थे उमर शेख मिर्जा जी, तो उमर शेख मिर्जा साहब तो ये जो थे इसके कुतलुग निगार की वो अधिक मानने वाले में से पत्नियां थी, जिसका पुत्र का नाम बाबर रहे, जिसका पुत्र का नाम बाबर रहे। और ये कौन थी? ये एक मंगोल वंश से आता था, ये मंगोल वंश से आती थी और उसी के ये उसी से इसका विवाह हुआ। किसका? उमर शेख मिर्जा का। और उमर शेख मिर्जा जो रहे वो बाबर के पिताजी रहे। चलिए अब आता है बाबर का जन्म। बाबर का जन्म कब हुआ था तो आपको बताना होगा कि 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फरगना में। कब? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। किसका जन्म? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। चलिए बाबर का जन्म हुआ था। यहाँ तक आने के बाद अब बात आता है, यहाँ देखिए क्या लिखा है कि 1494 में पिता की मृत्यु के बाद, अर्थात पिता का मृत्यु आपको ऊपर में भी लिख दिए कि 1494 ईस्वी में हुआ है। इस किसका? उमर शेख मिर्जा का जो मृत्यु हुआ है 1494 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ। और मृत्यु होने के बाद बाबर उस समय कितनी उम्र के थे? 11-12 साल के थे। 11-12 साल के उम्र में वह क्या कर रहा था? फरगना का शासक बन बैठा था। फरगना का क्या बन बैठा था? शासक। अर्थात वहाँ अपने क्षेत्र में क्या अपना आधिपत्य को बनाना चाहते थे और वो कुछ दिनों तक चला भी। देखिए फिर क्या हुआ, बाबर का आरंभिक संघर्ष। बाबर जब संघर्ष करना प्रारंभ किया और अपना क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया, अपना संघर्ष के अंतर्गत में अपना जो क्षेत्र को बनाना शुरू किया वो देखते हैं कि कहां से कहां तक कैसे कैसे चला। कहता 1494 ईस्वी में जो समरकंद के जीतने का प्रयास किया, पिताजी के मृत्यु के बाद समरकंद जो थे, समरकंद जो है ये एक उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है, एक उज्बेकिस्तान का ही क्षेत्र का नाम आता है समरकंद। और वह पिताजी के मृत्यु के बाद बाबर ने अपने क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या रहे? हार गए। वो सफल रहा, लेकिन 1497 ईस्वी में तीन साल बाद 1497 में वह समरकंद को क्या किया? 100 दिनों तक वो जीत कर रखा। जीतने के बाद 100 दिनों तक उन्होंने अपने क्षेत्र को वहाँ पर शासन अपने क्षेत्र पर शासन किए। उसके बाद देखिए क्या आया, कहता है कि 1501 में वह पुनः जीता। देखिए यह क्षेत्र को जब उन्होंने 100 दिनों तक जो क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, उसके बाद कहता है कि 1501 में यह पुनः जीता। वो 8 महीने तक रहे। इस बार जो उन्होंने जीता वो कितने दिनों तक रहे? 8 महीना तक रहे। और 1504 ईस्वी में काबुल कहाँ? पाकिस्तान में। और ये गजनी को भी जीत लिया, जो मोहम्मद गजनी 1333 ईस्वी में भारत आए हुए थे, तो उसका भी जो क्षेत्र जो था वो उस सब पूरा गजनी को जीत लिया। और 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। पूछा जाता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी, तो आपको बताना होगा 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि को धारण किया था। अगला बात आता है कि 1511 ईस्वी में उसे एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर लिया और वह पुनः क्या किया? 1512 ईस्वी में वो उसे खो बैठा। मतलब ये उन्होंने उसको अपने शासन जो क्षेत्र थे उन शासन क्षेत्रों में उसको लास्ट में उसको छोड़ना पड़ गया, अर्थात उसको खोना पड़ गया, मतलब वो हार गए थे। और मध्य एशिया और समरकंद में यह असफलता के बाद भारत की ओर बढ़ा। जब मध्य एशिया के क्षेत्रों में समरकंद का जो क्षेत्र था, जो कि उज्बेकिस्तान में जो अवस्थित है समरकंद, वह उसको छोड़ते हुए कहाँ गए? भारत की ओर अग्रसर हुआ, भारत की ओर ये बढ़ा। कौन? बाबर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि मुगल वंश का जो हम लोग का क्षेत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं, बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर ने जब भारत के बारे में सोचने लगा और भारत के बारे में उन्होंने जो भी शासन क्षेत्रों को आगे की ओर ले गया, वह देखिए कहता है कि 1519 ईस्वी में सीमा क्षेत्र बाजौर और मेरा को जीता। बाजौर और मेरा, देखिए भेरा जो है और ये बाजौर है। ये बाजौर बताता है कि ये क्या है भाई, बाजौर एक क्षेत्र का जो क्षेत्र है, जो कि वो कम से कम कितने भाई क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो कि 72
किलोमीटर लंबा है और 32 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और यह पंजाब के क्षेत्रों से जो कि जो भेरा है, ये भेरा भी एक पंजाब का एक सरगंधा एक जिला पड़ता है जो कि भेरा है, उसको भी उन्होंने जीता। किसने? बाबर ने जीता भेरा, जो कि पंजाब के एक समरकंद सरगंधा जिला का एक क्षेत्र है जो कि नाम है आता है। ठीक है, ये देखिए फिर बताते हैं कि 1519 ईस्वी में पेशावर तक को उन्होंने जीत लिया। कब? 1519 में। पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि पेशावर को कब जीता गया, तो आपको बताना होगा कि 1519 ईस्वी में पेशावर को जीता। ठीक है, 1520 ईस्वी में बाजौर और भेरा जो कि पंजाब के एक सियालकोटा क्या है भाई, एक पंजाब की डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पंजाब का जिला का नाम क्या है, एक सियालकोटा है, और वही सियालकोटा के बारे में बताया है। कहता है 1524 ईस्वी में उसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया। पंजाब पाकिस्तान में, देखिए वो अधिकांश भागों को क्या कर लिया था, जीत लिया था, अधिकांश क्षेत्रों को उन्होंने जीता था। फिर आता है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। देखिए, जिसमें बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का जो समय, मतलब जिसमें वो बाबर चाह रहे थे कि भारत पर आक्रमण करें, उसमें भारत की स्थितियों के बारे में क्या था, वो देखिए। समय में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि आप लोगों को पता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि कब हुआ था भाई, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, और जब हुआ था किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी क्या हो गया, पराजित हो गया। देखिए, बाबर ने दिल्ली और संतलत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी को क्या किया, हराया गया, और बाबर क्या हुआ, विजयी हुआ। और प्रथम बार जब तोपखाना का प्रयोग किया गया, तोपखाना होता है गोदाम, जहाँ की युद्ध के समान जो तोप होते हैं, तोप को युद्ध खाना, अर्थात युद्ध में लड़ने जाने वाले एक ऐसा यंत्र होता था जिसमें कि बारूद के गोले उगले जाते हैं, नहीं वो वही बात करता है, वो उसको एक गोदाम का इसका प्रयोग किया गया, मतलब समूहन किया गया, तोपखानों का एक समूहन किया गया जहाँ रखा जा रहा था, प्रयोग किया गया। कहता है कि तुलगामा युद्ध की नीति मतलब क्या होता था, तुलगामा युद्ध की नीति में क्या होता था कि बाबर के जितने भी सैनिक थे, बायां और दायां तरफ के बीच वाले सैनिक, और जो उसके काट के पाछे, मतलब आदमी को काट के नहीं, मतलब क्रम में जो रहने वाले जितने भी लोग थे, मतलब सैनिक थे, उसके क्रम में बाएं और दाएं तरफ के जो बीच वाला, मतलब काट के आदमियों को जो क्रम में जो रखे जाते थे, उस लाइन से आदमी को हटा करके पीछे में लगा देना, जो कि आक्रमण करने वाले जितने भी थे वो आक्रमणकारी चारों तरफ से वो घेरा जाना चाहिए। इसी तरह के जो एक नीति था बनाया गया था, जो उसको कहा गया था तुलगामा युद्ध की नीति। और ये क्या है, एक अजबेक से ग्रहित थे, अर्थात एक ततारियों का जाति का नाम था ये का एक प्रयोग किया गया था। तोप सजाने की जो कि आसमानी विधि, अर्थात वो तोप को जो सजा कर रखते थे कर्म से, अर्थात एक इस जगह तोप होगा और एक इस जगह का तोप होगा, अर्थात एक नीति के अंतर्गत उसको सजाया जाता था, वही यहाँ लिखा है तोप सजाने की एक आसमानी विधि प्रयोग। तोप का संचालन, अर्थात तोप को चलाने वाले एक उसके जो सैनिक होते थे, वो तोप सजाने का, तोप का जो संचालक था वो उस्ताद अली कुली था। तोप को सजाने वाला एक अलग होते थे, बंदूकधारियों का नेतृत्व करता, अर्थात जितने भी उसके पास सैनिक थे और सैनिक के पास जितने भी सैनिकों के पास बंदूक थे, उसका नेतृत्व करने वाला, उसका देखरेख करने वाला एक अलग था, जिसका नाम था उस्ताद मुस्ताफा। क्या नाम था? उस्ताद मुस्ताफा था। बाबर ने 1526 ईस्वी में स्वयं को बादशाह घोषित किया था। कहेगा बादशाह की जो उपाधि ली वो कब ली थी, 1526 ईस्वी में स्वयं को क्या कहा, बादशाह कर एक मुगल वंशों की स्थापना की थी। अब पूछेगा कि युद्ध के पश्चात बाबर की जो उदारता, युद्ध के बाद वाली बात जो है, जब बाबर की जो
उदारता रहा, बाबर का जो दयावान और दयाशीलता रहा, इसी के कारण लोगों ने उसको क्या कहा, उसको क्या कहा, कलंदर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? कलंदर। कलंदर क्या होता है भाई? मुसलमानों के संत समुदाय, मुसलमानों के संत समुदाय, जहाँ की मुसलमान अपने झुंड बना करके, जहाँ की अपने ऋषि, जैसे समुदाय को समझिए ना, जो कि मुसलमान अपने एक झुंड बनाते हैं ना, अर्थात उसमें जो कि दयावान, जो उदारता होते हैं, जो मतलब जो ऐसे है ना मुसलमान मौलवी सब जो होते हैं ना, तो उसी तरह का उदारता, एक उदारता वाले को क्या नाम दिया था? कलंदर का नाम दिया था, मौलवी के संत का नाम, देखिए साधुओं के संघ के संत का नाम। उसके बाद देखिए क्या आता है, खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में किसका हुआ था? खानवा का युद्ध। बाबर ने जब राजपूत राणा सांगा को क्या किया था? पराजित किया था। बाबर ने राजपूत राजा राणा सिंह को क्या किया था? पराजित किया था। तब जाके खानवा के युद्ध जब हुआ था, खानवा के युद्ध में कौन कौन लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा के बीच जब लड़े गए तो बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा पराजित हुए। बाबर ने जब युद्ध के लिए जिहाद, अर्थात बाबर ने जो अपना नीति के अंतर्गत जिहाद, जिहाद क्या होता है सर? तो इस्लाम की रक्षा के लिए एक धर्म युद्ध चलता था, इस्लाम की रक्षा के लिए एक धर्म युद्ध, और इसी धर्म युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? जिहाद। अर्थात जिहाद जो होता है किसी धर्म युद्ध के लिए, या मुसलमानों के जिहाद, मुसलमानों का जिहाद, अर्थात मुसलमान अपने धर्म के लिए युद्ध लड़े थे। देखिए कहता है युद्ध के पश्चात एक गाजी बनाया। गाजी क्या होता? एक काफिरों का मारने वाला एक उपाधि होता था, जो मारते थे ना काफिलों को, उसको मारने वाले की उपाधि को क्या कहा जाता? गाजी कहा गया था। चंदेरी का युद्ध आता है। चंदेरी में देखिए क्या हुआ, मालवा, ये एमपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र वाले भाग को मालवा है, और ये बुंदेलखंड, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा। कौन? चंदेरी। चंदेरी का ये बात बता रहा है कि वह क्या रहा, महत्वपूर्ण केंद्र रहा, राजनीतिक केंद्र रहा। युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार मेदनी राय को पराजित किया था। तो मेदनी राय और किसके बीच? मेदनी राय और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि क्या क्या राजपूत सरदार मेदनी राय को पराजित किया, और उसके दो पुत्रियों, किसके? मेदनी राय के जो दो पुत्रियों थे, दो पुत्रियों को अपने पुत्र, देखिए लिखा है ना, मेदनी राय को पराजित किया और उसके दो पुत्रियों को अपने पुत्र हिमायू और कामराना, ये किसका है? बाबर के पुत्र है, हिमायू और कामराना, ये बाबर के दो पुत्र हुए, जो कि क्या किए, उसके दो पुत्रियों को अपने पुत्र, दो पुत्रियों को किसके? मेदनी राय जब जीता गया तो मेदनी राय का जो उसके दो पुत्रियों को अपने पुत्र हिमायू और कामराना को भेंट दिया, अर्थात जीतने के बाद उसकी बेटियों के साथ इसका मतलब इसको भेंट दिया गया, और इस युद्ध में जिहाद का भी नारा दिया गया था। जब यह युद्ध हुआ था चंदेरी का, उस चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद का, अर्थात जिहाद के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है कि इस्लाम अपने धर्म की रक्षा के लिए एक धर्म रक्षक युद्ध को जिहाद के नाम से जाना है। देखिए एक घाघरा का युद्ध है, एक घाघरा का युद्ध में देखिए, ये 1529 ईस्वी में बाबर ने एक अफगानी शासक महमूद लोदी को पराजित किया, और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। देखिए ध्यान देने योग्य यह है कि आप भुला जाइएगा कि कैसे कैसे कौन क्या हुआ था, हम इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट भी बता देंगे तो याद रहेगा। देखिए बाबर ने एक अफगान के रहने वाले शासक जो कि महमूद लोदी के साथ, उसके साथ क्या हुआ, युद्ध लड़ा था, जिसमें कि क्या हुआ, पराजित किया गया, और बाबर का यह अंतिम युद्ध रहा। पराजित किया किसको, तो आपको बताना है कि महमूद लोदी को। देखिए युद्ध में कौन जीता? बाबर जीता। फिर देखिए यह इसकी जो मृत्यु हुई किसके? बाबर के। तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई, और उसके सब को क्या किया गया, पहले आगरा में, उसके बाद कहाँ जाकर के इसको दफनाया गया, आगरा के एक आराम बाग में इसको क्या किया गया था, दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, काबुल में दफनाया गया। बाद में कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। बाबर ने तुलुक ए बाबरी बाबरनामा भी लिखे हैं, ठीक है,
तो देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ रहे और आप लोग को पूरे अच्छे तरह से समझ में आया होगा जहाँ तक मैंने प्रयास किया आपको बताने का। तो देखिए मुगल वंश के बारे में मैंने कुछ आप लोग को बीच बताया, लेकिन मुगल वंशों में जो बाबर का जो रहा ये सिर्फ आज का पहला वीडियो बाबर के बारे में रहा, ठीक है। बाबर का मुगल वंश के जो प्रथम संस्थापक रहे, मुगल वंश का जो संस्थापक रहे वो बाबर ही रहे, जिसके बाबर के बारे में मैं इतना सारा कुछ आपको बता पाया। देखिए जिसमें कि आपको बताया कि बाबर के द्वारा जो लड़े गए क्षेत्र रहे, यहाँ पर देखिए पानीपत रहा, खानवा रहा और चंदेरी रहा और घगरा रहा। इसका ट्रिक ये है, कॉन्सेप्ट याद रखने का, पीवी ले खाए ले चलो जो घर। देखिए पीवी ले खाए ले चलो जो घर, देखिए पीवी ले तो पानी, पीवी ले खाए ले खाना, खानवा आ चलो जो चंदेरी और घर घाघरा। पीवी ले खाए ले चलो जो घर, तो पीवी ले पानीपत का प्रथम युद्ध, खाए ले खानवा का युद्ध और चलो जो चंदेरी का और घर तो घाघरा का। तो याद इसका क्रम में रहेगा 25 या 26 है तो 27 28 29, समझ में आया। पीवी ले खाए ले चलो जो घर, इसका इस कॉन्सेप्ट से भी हो जाता है, तो इस तरह से भी आप लोग को समझ में आएगा। इनके बाद आप जाने कि प्रथम पानीपत का जो युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच हुआ भाई, आपको यहाँ पर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें कि बाबर क्या हुआ जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गई। उसके बाद आता है आपका खानवा का युद्ध, इसमें राणा सांगा और किसके साथ बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीते और राणा सांगा हार गया। उसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के युद्ध में आप देखें कि यहाँ मेदिनी राय के साथ इसका युद्ध हुआ था, मेदिनी राय की जो उसकी दो पुत्रियां थी इसके भेंट दिया गया, जो कि हिमायू और इसका कमराना जो था, कमराना इसके बाबर के पुत्र रहे, इनको भेंट दिया गया। उसके बाद आता है घाघरा का, घाघरा के युद्ध में कौन कौन होते हैं भाई, घाघरा के युद्ध में रहे महमूद लोदी और बाबर रहे, जिसमें कि बाबर जीते और बाबर का जो मृत्यु हुआ वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई। जो मृत्यु होने के बाद इसकी सब को क्या किया, आगरा के एक आराम बाग में इसको दफनाया गया था, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, इसको पुनः क्या किया गया, इसको पुनः दफनाने के लिए काबुल ले गया, इसको काबुल में पुनः दफनाया गया। बाबर के द्वारा जो लिखा गया एक पुस्तक था तुलुक ए बाबरी बादशाह नामा, बाबर नामा इसके द्वारा लिखे गए पुस्तक भी थे, इसके बारे में लिखे हैं बाबर नामा में, इसके बारे में बाबर की जानकारी मिलती है। तो बच्चों हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, बाबर के बारे में जान करके और मुगल वंशों के बारे में जान करके। मैं इससे अगर ये ज़्यादातर अगर सभी छात्र छात्राओं को अगर अच्छा लगा होगा तो फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इसको अगर आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। ये हम लोग का पहला रहा, जो कि मुगल वंश का पहला बाबर का रहा, उसके बाद बाबर के बाद आपको हिमायू के बारे में बताएंगे, एक एक करके मैं बताऊंगा, जल्द आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।